इसराइल और हमास के बीच 8 महीने से जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सोमवार को सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया था। वहीं सोमवार को हुई वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। वहीं पहली बार अमेरिका के तरफ से पेश किए गए सीज फायर प्रपोजल में 3 फेज में जंग खत्म करने की बात कही गई है। पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। वहीं इस दौरान हमास की कैद में मौजूद कुछ इजरायली बंधक और इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात भी की गई है। इसके बाद दूसरे फेज में जंग को पूरी तरह से रोककर बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। वहीं आखिरी फेज में गाजा पट्टी को फिर से बसाने का जिक्र है।